गुजारिश है। अरे चाबी लो यार, चाबी पकड़ो जी, शेख शरीफुद्दीन सन्ना शरीफुद्दीन शेख साहब को चाबी हासिल, सन्ना मोहम्मद हफीज साहब को चाबी हासिल। नेक्स्ट सरदार अमन सिंह गारिनी वच्चि ताळं चेवि तीसुकोवाल्सिनदिगा कोरुतुन्नाम। कविदाकुल जयपाल गारिनि वेदिक दग्गरिकि वच्चि ताळं चेवि सैयद साबिर मियां अली सन्ना यासीन अली साहब को सर इधर। धक्का मत दो भैया, धक्का मत दो। कुछ दिन पहले भी हमारे माइनॉरिटी ऑफिसर से बात किया था और हरीश राव साहब से भी बात किया था, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से भी बात किया था कुपोला साहब। ये अगर ग्रीन जोन में डाल दिया जाए, जिस तरह लोगों को पेंशन मिलता है हर महीना, उसी तरह हर महीना हम लोगों के अकाउंट में चला जाए तो बेहतर है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम और ईश्वर साहब मिलकर सीएम साहब से गुजारिश करेंगे ताकि मंथली हर महीने की 5 तारीख को उनको पैसे मिलेंगे। और आज जो ड्राइवर भाई जो आज ओनर बने, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इंसान को ज़िंदगी में कभी कभी मौका मिलता है खुशी की तरीके से मदद की, मदद हमेशा नहीं मिलती, ये मदद अल्लाह की जानिब से और हमारे सीएम साहब की तरफ से और हमारे ईश्वर साहब मिनिस्टर साहब ने खासतौर से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। एटी ड्राइवर थे, उसी तरह अपनी ज़िंदगी में अखराजात का बोझ मत पड़ाइए, अखराजात का बोझ कम कर दे। जैसा मेरा हुसैन साहब ने कहे कि आज एक गाड़ी है आपके पास तो अल्लाह ताला कल 10 गाड़ी दे। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, वो गरीबी ज़िंदगी से आगे बढ़े, कोई करोड़ रुपये उनके माँ बाप से नहीं आए। अगर एक मौका मिलता है एहतियात से काम कीजिए, अखराजात का बोझ बहुत एहतियात से कीजिए और इंस्टॉलमेंट भरा। आप ये समझिए कि मुझे खाना नहीं खाना है, पहले बैंक का इंस्टॉलमेंट भरना है तो वही लोग सक्सेस होंगे। तो मैं यहाँ से दूसरी बात, एक के खान भी अच्छी बात की है, एक के खान साहब भी बताए कि लापरवाही बहुत होती है जिसकी वजह से आजकल कैमरे लगे हुए। एक बात बताना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान साइबराबाद में, आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ ओवर स्पीड जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपके घर पर चक्रान आ जाता है। तो बार बार लोग हज़ारों रुपए के चालान भर रहे हैं, तो उससे भी आप एहतियात कीजिए और अपनी ज़िंदगी जिस तरह पहले एक लिमिट से गुजारते थे उसी तरह गुजारिए। इस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। तो आज जो यकीनन थोड़ी सी देरी हुई उसके लिए हम सब माजरत चाहते हैं और सभी भाई बहन की घरों से मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें जिन्हें ये ड्रा के अंदर निकला है। इंशाल्लाह ताला हमारे सीएम साहब बहुत बड़े दिल वाले, मैं समझता हूँ ऐसा इंसान दुनिया में कम पैदा होते हैं। वेदिक अलंकरించినటువంటి కొంత ఆలస్యంగా రావడం వల్ల కార్యక్రమాన్ని మనం లేటుగా ప్రారంభించుకుంటున్నాం। వాస్తవంగా 11:30 ప్రాంతంలో జరిగిన మాట్లాడినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా చాలా విషయాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి వారి యొక్క సంక్షేమానికి సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలను కూడా ముస్లింల కోసం కావచ్చు, క్రైస్తవుల కోసం కావచ్చు, ఇతర మైనారిటీ వర్గాల కోసం కావచ్చు, ఇంత గొప్పగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కావచ్చు, వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కావచ్చు, అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం
देश नंबर वन प्रभुत्म राष्ट्रीय सदर्भंगदल राष्ट्र प्रभुत्म दी कम मुख्यमंत्री केसीआर गलोचना विधान देश में उड़ेटी अन्नी वर्ग प्रजू हैदराबाद नगर तो राष्ट्र उठी निरुद्योग युवक एवरते किराए मीद कार्कोनी जीवन सागिस्ो वाल सवत कल्लू अल कार आर्थिक बने उदेश गौरव मुख्यमंत्री वर्ग डिजन प्रोग्रम एद मरी गत मूड नाग संवसाल अनेक वाला मंदी ड्रैवर् सोदर को जीवनोपाधिला मरी कारब्यूशन जो अंदर भागने मूड वारल मरी अंत राष्ट्र मत अच्छी विड़ल वारी जिला केन्द्र कर्स डिस्ट्रिब्यूशन जरूरत दीन द्वारा वालू आर्थिक लब्धि पी वाल कुटाल गोपनी उड़ाने मुख्यमंत्री गारी आलोचना अदे विधा प्रभुत्म आलोचना अंतका मैनारटी वर्ग क्रिस्टन कावचु मुस्लिम कावचु इतर मैनारटी वर्ग राष्ट्र अनेक संक्षेम कार्यक्रम गत लेने विधा देश में ये प्रभुत्म अमल विधा तेलंगाना राष्ट्र में अमल का पूर्ति स्थाई नूट की नूर बाल सेक्युलर स्टेट मुझे तीसरी मुख्यमंत्री केसीआर गारंदर्भंगे टोटल तेलंगाना में 300 कार्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ख़ास तौर से अजौस के प्रमिसेस में 106 कार दिए गए जिसकी हुकूमत की तरफ से 60% इसमें सब्सिडी दिया जा रहा है। यकीनन ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, ड्राइवर कम ओनर की स्कीम है। इसके लिए मैं हमारे मिनिस्टर साहब कपूला ईश्वर साहब को और हमारे कारपोरेटर साहबा जो यहाँ से हमारे जाफर हुसैन साहब जो यहाँ के मुकामी MLA है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और हमारे आनेबुल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमेशा गरीबों को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लाते हुए उन्हें डेवलप करते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है जिससे गरीब आदमी जो ड्राइवर था वो ओनर बन सकता है। अगर अच्छी ध्यानदारी से मेहनत से काम किया और टाइम पर इंस्टॉलमेंट भरा तो डेफिनेट वो एक से दो कार कर सकता है, चार कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मैं तमाम ड्राइवर्स को जिसके घरों से मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि आप पहले ड्राइवर थे, आप आज ओनर बन गए, मगर एहतियात से ज़िंदगी गुजारिए। बैंक का इंस्टॉलमेंट इन टाइम भर दीजिए। अभी दो इंस्टॉलमेंट की बात की गई, यकीनन अहमद अली साहब से आज से 15 दिन पहले भी बात किया था। बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्योंकि इसलिए गाँव के पेपर में भी आया था कि वो इंस्टॉलमेंट अब देने के बाद आज कार्ड दी गई है, इंशाल्लाह अगले महीने से उन लोगों को इंस्टॉलमेंट रहेगा और टाइम पर इंस्टॉलमेंट बनते हुए गाड़ी को अपने साथ ही दीजिए। टोटल 106 गाड़ियाँ आज यहाँ चुकी हैं और टोटल सारे तेलंगाना में 300 गाड़ियाँ दी गई, उसके लिए टोटल सब्सिडी जो है 15 करोड़ का। थैंक यू। 4000 चिल्लर का एप्लीकेशन देंगे इंशाल्लाह, बोला हमें।